हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वाली वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगा और अपनी बुलेट की मॉडिफिकेशंस के बारे में बताऊँ कि मैंने इसमें क्या क्या करवाया। तो पहले सबसे पहले आपको दिखा दूँ अपनी पूरी मॉडिफिकेशन। तो भाई मुझे ललिता पार्क वाले रोड पर अपना एक सब्सक्राइबर मिल गया, तो आज से मेरे साथ रहेगा और ये बहुत बड़ा फ़ैन है। चलो मैं मॉडिफिकेशन बता दूँ। तो आपको जैसा कि मैं अपनी मॉडिफिकेशन बताने वाला था, आओ। तो भाई इसमें मैंने पहली चीज़ जो लगवाई थी वो है इसके लेग गार्ड। ये अब पुराने हो गए हैं ज़्यादा ही, मैं इन्हें भी चेंज करवाऊँगा और जो मैं लगवाऊँगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वो लेग गार्ड लगवाऊँगा। और ये मैंने लगवाए थे 1100 के करोल बाग से। बाकी इसकी क्वालिटी भी सही निकली, क्योंकि एक बार इसका एक्सीडेंट हो चुका है और ये तब भी बैंड नहीं हुए और ठीक ही रहे अभी तक। और इसका एक्सीडेंट बस से हुआ था जबकि। तो इसकी नेक्स्ट चीज़ मैंने जो लगवाई थी वो है ये इसके अलॉय व्हील्स। ये मुझे पड़े थे 8500 के, ये मैंने लगवाए हैं गीता कॉलोनी से। इसकी क्वालिटी भी अच्छी निकली अभी तक और ये पराडो कंपनी के हैं। अब देखता हूँ ये कितने चलेंगे। बाकी इसको हो गया अभी एक साल से ज़्यादा हो गया लगवाए हुए। बाकी इसे मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसे साफ़ करने में भाई उंगलियाँ दर्द हो जाती हैं। तो भाई ये जो मैंने तीसरी चीज़ करवाई थी इसमें वो है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो इसका शेड थोड़ा डार्क हो रखा है, ये वाइट होता है। ये मैंने कराई थी 800 में और ये हुई है सिर्फ जैसे इस वाले एरिया में, और ये जहाँ जहाँ पे ये वाइट स्टीकर लगे होते हैं वहाँ वहाँ पे हो रखी है, इस वाले एरिया में हो रखी है और बाकी आगे भी हो रखी है यहाँ पे और ऐसे इस साइड हो रखी है। तो इन एरिया में ये सब हो रखी है और ये मैंने कराई है रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से ही। और ये मैंने साइलेंसर लगवाया है इंदौरी ग्लास वूल टाइप। इसमें दो टाइप आती है, एक खाली होता है और दूसरा ग्लास वूल है, ग्लास वूल है तो इसमें थोड़ी सी बेस ज़्यादा आती है, आवाज़ कम आती है। इसका चलान इतना होता नहीं है, ये बच जाता है, वैसे इलीगल है ये। और ये लगवाया है मैंने 2300-2400 इतने में, 2300 का था या 2400 का था मुझे याद नहीं है, इन दोनों में से ही कितने का था। दी बाइकर से यहाँ पे है जो लक्ष्मी नगर में। अब इसकी आपको एक बार आवाज़ चेक कराता हूँ। तो अब इसकी आवाज़ चलते हुए भी सुनाता हूँ। और फिर बाकी मैंने इसके ये हज़ार्ड लाइट करवाई थी, ये कुछ नहीं है तो सिर्फ 150 की थी, बताने की भी क्या ही चीज़ है। जैसे इसके चार इंडिकेटर जल रहे हैं ये सब ठीक है। और साथ में मैंने इसमें एक टाइगर आई रेड करवाई थी, मैं दिखाता हूँ उसे, वो ऑन हो गई।
ये था। और टाइगर आई भी ज़्यादा की नहीं आती, वो आती है 30-40 रुपए की एक। तो अगली चीज़ जो मैंने लगवाई थी वो है इसके प्रोजेक्टर हेडलाइट, ये पड़ी है मुझे 1700 की। मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इसमें है, इसमें दो वो जलते हैं एम्बर, एक तो एम्बर जलता है और एक वाइट, एम्बर जलता है और एक वाइट जलता है, और बाकी इसकी ये मेन लाइट है ये है। बाकी ये मैंने यहाँ पे ब्लैक टेपिंग भी करा रखी है, क्योंकि वो जो सिल्वर था वो इतना पसंद नहीं आ रहा था। इसकी पूरी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, देख लेना। तो भाई ये वाली वीडियो यहीं तक थी, और मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी भाई, लाइक मत करना। मोनू यादव है और ये आगे लक्ष्य यादव है भाई, लाइक मत करना बिल्कुल भी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़्यादा ही शॉर्ट होगी वीडियो।